आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बुध के गोचर से किन राशियों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं। वृषभ राशि। बुध का गोचर आपकी राशि के लिए मध्यम फलदायी रहेगा। इस दौरान आपके बने बनाए कार्य किसी वजह से अटक सकते हैं और निवेश की तरफ अगर ध्यान नहीं दिया तो आर्थिक हानि भी हो सकती है। गोचर काल में अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें, अन्यथा क्रोध में आकर कुछ कहने से आपको ही परेशानी होगी। इसका प्रभाव आपके पिता के साथ संबंधों पर भी पड़ सकता है। साथ ही लंबी यात्रा पर जाने का मौका भी मिलेगा, जिसकी वजह से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस अवधि में जीवन साथी के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकते हैं। कर्क राशि। बुध का गोचर आपकी राशि के लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। इस दौरान किसी महिला की वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके लिए हितकारी नहीं रहेगा। ज्यादा कामकाज होने की वजह से स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। गोचर काल में किसी से भी धन का लेन देन करने से बचें और अपनी गुप्त बातों को किसी से भी ना कहें। सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भय का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अनैतिक कार्यों से दूर रहें। नौकरी पेशा और व्यापारियों के लिए भी बुध का गोचर कई परेशानियों खड़ी कर सकता है। कामकाज में कोई ना कोई रुकावट आती रहेगी, जिसकी वजह से तनाव में रहेंगे। वृश्चिक राशि। बुध का गोचर आपकी राशि के लिए कई चुनौतियां लेकर आएगा। इस दौरान कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की वजह से परेशान रहेंगे और काम में रुकावट भी लगी रहेगी। गोचर काल में अपने खर्चों पर भी आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा कर्ज लेने की समस्या आ सकती है। इस अवधि में किसी से भी वाद विवाद करने से बचें, क्योंकि यह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट दे सकता है। लव लाइफ वालों को भी इस दौरान सावधानी बरतनी होगी और शब्दों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई बात आपके पार्टनर को बुरी लग सकती है, जिससे रिश्ता प्रभावित हो सकता है। इस अवधि में आत्मविश्वास के साथ कार्य करें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए बुध का गोचर ज्यादा शुभ नहीं रहेगा। इस दौरान शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझदारी से कार्य किए तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और अधिकारियों की वजह से काम करने का मन नहीं करेगा और परेशानी कोई ना कोई बनी रहेगी। अगर आप सरकार के खिलाफ कार्य कर रहे हैं तो गोचर काल में उसको रोक दें, अन्यथा कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस सकते हैं। हालांकि मित्रों के साथ साथ आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लेकिन वे किसी काम नहीं आ सकेंगे। इस अवधि में भाई बहनों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए चीजों को समझदारी से करें। मकर राशि। बुध आपकी राशि में गोचर करने वाले हैं। इस दौरान बिना वजह की यात्राओं और धन खर्च आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। गोचर काल में पिता का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन उनके साथ संबंध खराब ना हो, इसका ध्यान रखें। इस अवधि में कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या फिर से परेशान कर सकती है, इसलिए सेहत को लेकर सावधान रहें। इस समय कहीं भी निवेश करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। छात्रों को पढ़ाई लिखाई में कुछ समस्या आ सकती है और कोर्ट कचहरी के मामलों पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस अवधि धर्म कर्म के कार्यों में मन लगेगा और मानसिक शांति भी मिलेगी।